नमस्कार, लखनऊ के क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। यदि आप ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज जानने की रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, न्यूज को बिना स्किप किए न्यूज के अंत तक बने रहें, क्योंकि ये खबर आपके लिए हो सकता है बेहद खास। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज की ताजा खबर। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, अब ग्राम समाज की जमीन से अवैध कब्जे हटा सकेंगे तहसीलदार। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब तहसीलदार और तहसीलदार न्यायिक को ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे हटाने और ऐसे मामलों का निस्तारण करने के लिए कानूनी तौर पर अधिकृत कर दिया है। राजस्व विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। लखनऊ में इंजीनियर युवती ने सड़क किनारे पेट्रोल डालकर खुद को लगाई आग, अस्पताल पहुंचते ही हो गई मौत। जी हां, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार शाम एक दिल दहलाने वाली घटना हो गई। पीजीआई थाने से चंद कदम की दूरी पर सड़क किनारे स्कूटी से पहुंची एक युवती ने पेट्रोल उड़ेलकर खुद को जिंदा आग के हवाले कर दिया। जब तक कोई कुछ समझ पाता, आग का गोली बनी युवती इधर उधर दौड़ने लगी। देर शाम हुई इस घटना ने पुलिस अधिकारियों के होश उड़ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस युवती को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। देर रात युवती की शिनाख्त बीटेक पास सौम्या के रूप में हुई। लखनऊ में देर रात पुलिस मुठभेड़ में पूर्व प्रधान के हत्यारे घायल, पांच हुए गिरफ्तार। जी हां, आसियाना में मंगलवार देर रात करीब 11 बजे पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें मोहनलालगंज के इंद्रजीत खेड़ा के पूर्व प्रधान सुजीत पांडे की हत्या में शामिल दो बदमाश घायल हो गए। पुलिस का दावा है कि इन्हीं बदमाशों ने एक साल पहले प्रॉपर्टी डीलर अशोक यादव की तीन दहाड़े गोली मारकर हत्या की थी। पुलिस ने इन हत्याओं के संबंध में पाँच लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें यशोधरा बिल्डर्स के मालिक मधुकर सिंह यादव व उसके तीन भाइयों ने इन दोनों हत्याओं की साजिश रची थी। पुलिस ने इस मामले में अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया है, वहीं एक की तलाश जारी है। यूपी में 52 आईपीएस अफसरों को मिली प्रोन्नति, आईजी से एडीजी और डीआईजी से आईजी बने अधिकारी। जी हां, राज्य सरकार ने 1996 और 2003 बैच के साथ साथ और 2007 बैच के 10 आईपीएस अफसरों को प्रोन्नति देने पर सहमति दे दी है। वहीं 2017 बैच के 16 अफसरों को एसपी बनाने पर सहमति बनी है। 2008 बैच के अफसरों को सिलेक्शन ग्रेड दिया गया है। शासन में मंगलवार को हुई विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में कुल 52 अफसरों की प्रोन्नति को मंजूरी दी गई। गरीबों को झोपड़ी की जमीन का पट्टा देने के लिए चलेगा अभियान। जी हां, जिस जमीन पर गरीब की झोपड़ी है वह जमीन उसके नाम होगी। यदि झोपड़ी की जमीन रिजर्व श्रेणी और विवादित नहीं है तो उसे संबंधित गरीब व्यक्ति के नाम किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबों को झोपड़ी का पट्टा देने के लिए स्वामित्व योजना के तहत अभियान चलाने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि जरूरत के अनुसार गरीबों में आवास क्लस्टर में भी बनाए जा सकते हैं। यहां मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में योगी ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत 21,562 आवासों के लाभार्थियों के खाते में पहली किस्त के रूप में 87 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के हर लाभार्थी को शासन की सभी योजनाओं, शौचालय, रसोई गैस, बिजली, आयुष्मान भारत, जीवन ज्योति और जीवन सुरक्षा का लाभ देने के लिए अभियान चलाया जाएगा। जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी भाजपा। जी हां, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व यूपी प्रभारी राधामोहन सिंह ने कहा है कि पंचायत चुनाव में पार्टी योग्य एवं युवा उम्मीदवारों को मौका देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए कई योजनाएं लागू की है, इसलिए पार्टी चाहती है कि पंचायत चुनाव में योग्य और शिक्षित जनप्रतिनिधि चुने जाएं। वे मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पार्टी पूरी ताकत के साथ पंचायत चुनाव लड़ेगी। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश सरकार के मंत्रियों, सांसदों व विधायकों को भी जिम्मेदारी दी जाएगी। पंचायत चुनाव के लिए 3 जनवरी को लखनऊ में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। अगले 20 महीने में पूरी होगी मथुरा झांसी रेलवे लाइन परियोजना। जी हां, मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने मथुरा झांसी के मध्य तीसरी रेलवे लाइन, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जल जीवन मिशन,
हर घर जल योजना और उपभोक्ता मामलों से संबंधित शिकायतों के निस्तारण की प्रगति की समीक्षा की। मथुरा झांसी तीसरी रेलवे लाइन परियोजना अगले 20 महीने में पूरी करने के बाबत भी बात हुई। ये सभी बिंदु प्रधानमंत्री की समीक्षा के बिंदुओं प्रगति में भी शामिल है। मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। दानदाताओं को राम मंदिर के छायाचित्र, डिजिटल सिग्नेचर और बारकोड वाली मिलेगी रसीद। जी हां, राम मंदिर निर्माण के नाम पर अवैध वसूली व ठगी किए जाने के कई मामले सामने आने के बाद ट्रस्ट ने अब दान करने वाले राम भक्तों को ऑनलाइन रसीद देने की व्यवस्था की है। डिजिटल सिग्नेचर व बारकोड सहित राम मंदिर के चित्र वाली रसीद राम भक्तों को दी जा सकती है। इसके लिए बाकायदा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कार्यालय में आईटी सेक्टर खोल दिया गया है। इस काम में 5 लोगों की टीम लगाई गई है। यहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कार्यालय के प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने बताया कि राम मंदिर निर्माण के लिए बड़ी संख्या में ट्रस्ट कार्यालय पर भी दान देने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। वे किसी ठगी का शिकार न हो इसलिए अब दानदाताओं को ऑनलाइन रसीद दी जाएगी। यह रसीद केवल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा ही जारी की जा सकती है। इसमें डिजिटल सिग्नेचर और बार कोड दिया गया है जिससे इसकी डुप्लीकेट कॉपी न तैयार की जा सके। मुनव्वर राणा की बेटी के समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर मोहसिज रजा ने अखिलेश पर साधा निशाना। जी हाँ, अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने सायर मुनव्वर राणा की बेटी को सपा में शामिल किए जाने पर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मुनव्वर राणा राष्ट्र विरोधी सायर हैं। उन्होंने आतंकियों द्वारा कत्लेआम मचाने का समर्थन किया था। सपा में शामिल हुई उनकी बेटी भी कुछ समय पहले लोगों के लिए राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए भड़का रही थी। उन्होंने कहा कि इससे साफ हो गया है कि सपा आतंकियों को महिमा मंडित करने वालों के लिए जगह दे रही है, तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है, जो देश के खिलाफ है उन ताकतों को स्थान दे रही है। 10 जनवरी से हर रविवार फिर लगेगा मुख्यमंत्री आरोग्य मेला। मेले में ड्यूटी करने वालों को मिलेगी शनिवार को छुट्टी। जी हाँ, कमजोर आय वर्ग के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री आरोग्य मेले की एक बार फिर शुरुआत होने जा रही है। कोविड-19 महामारी के कारण बीते मार्च में इस साप्ताहिक मेले का आयोजन स्थगित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनवरी के दूसरे रविवार से आरोग्य मेला फिर से शुरू करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार 10 जनवरी से प्रदेश के सभी शहरी और ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर हर रविवार सुबह 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक पहले की तरह आरोग्य मेले का आयोजन होगा। आरोग्य मेले में ड्यूटी करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को शनिवार को छुट्टी मिलेगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।